Okay, so if you read the first statement, the descriptive result is concerned with status. Okay. हमने एनालिटिकल रिसर्च में क्या देखा था? व्हाट वाज द स्पेसिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल रिसर्च? एनालिटिकल रिसर्च की क्या प्रॉपर्टी थी? रिसर्च बाय यूजिंग डाटा. यस, मतलब जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दैट अगर हम स्टडी कंडक्ट करते हैं, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च. ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है? इफ वी आर कलेक्टिंग द डाटा ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, जो भी अभी करंट में सिचुएशन है, वट एवर द सिचुएशन दैट इज प्रेवलेंट, अगर हम उससे रिलेटेड कोई स्टडी कर रहे हैं, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. है ना, जैसे हम सर्वेज करते हैं. ओके, 2021 में पॉपुलेशन सर्वे होने वाला है. ओके, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि हम करंट जो सिचुएशन है उसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. अगर हम कोरोना की द प्रिवेलेंस ऑफ कोरोना, हाउ मच कोरोना हैज इफेक्टेड द इंडियन पॉपुलेशन, अगर हम उस पर स्टडी करते हैं, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. समझ में आया एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का बेसिक डिफरेंस? यस सर. यस सर. ओके, अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेनली तो यही है, लेकिन इसको कंडक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं. तरीकों का मतलब है टूल्स हैं. ओके, द टूल्स दैट आर यूज्ड टू कंडक्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आर मैनी, स्टार्टिंग विद क्वेश्चनायर, इंटरव्यू, नॉर्मेटिव सर्वे, दीज आर दी बेसिक थिंग, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चनायर को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चनायर क्या है, इसके बारे में सुना है कभी? या शायद किसी ना किसी ने कभी फिल भी किया होगा. क्या होता है सर? पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक पे, और वो हमें फिल करने पड़ेंगे अपने उसमें रिव्यूज एंड ओपिनियंस देने पड़ेंगे. यस, एक रिटन सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट दैट हैज मेनी क्वेश्चंस, उसमें कितने भी क्वेश्चंस, 5, 10, 15, 20 कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड द रिस्पोंडेंट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भी रिस्पोंडेंट्स होंगे, उस पर रिस्पॉन्स करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चनायर के जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स होते हैं. क्वेश्चनायर्स आर ऑफ टू टाइप्स. हम पहले को बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चनायर्स एंड सेकंड आर क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर्स. ये कभी देखा है, ये वर्ड सुने हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चनायर क्या होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर्स क्या होते हैं? नो सर. अच्छा, क्वेश्चनायर्स जब हम भरते हैं, तो अगर किसी ने क्वेश्चनायर भरे होंगे तो देखा होगा कि कुछ क्वेश्चनायर्स में क्या होता है, यू हैव टू सिंपली टिक करना है ना, या रिस्पांस स्पेसिफिक होता है, एग्री, डिसएग्री, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, या फिर रेट करना है 1 to 10 में, 5, 6, 7 समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है कि आपको जो भी रिस्पॉन्स दिए हुए उन्हीं में से कुछ सेलेक्ट करना है. कुछ क्वेश्चनायर्स होते हैं दैट यू हैव टू राइट योर ओन रिस्पॉन्स, यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग, है ना, इस तरह के क्वेश्चनायर्स होते हैं. आपने जो ज़्यादातर भरे होंगे दैट विल बी रिस्पॉन्स स्पेसिफिक, सो द क्वेश्चनायर्स विच आर रिस्पॉन्स स्पेसिफिक आर नोन एज क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर्स. उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर्स. वाई क्लोज एंडेड? बिकॉज द रिस्पोंडेंट इज नॉट फ्री टू गिव हिज प्रॉपर आंसर. फ्री नहीं है, आपको जो चॉइसेस दी हैं आपको उन्हीं में से सेलेक्ट करना है. ओके, कोई क्वेश्चनायर का किसी ने क्वेश्चनायर भरा है कभी? यस सर. किस तरह का क्वेश्चनायर सर? वो कॉलेज में वो सर्वे कंडक्ट कर रहे थे, वो भी मतलब कॉलेज रिलेटेड की क्या-क्या टेबल लाने चाहिए, क्या-क्या वो होनी चाहिए, तो उन्होंने उसमें ऑप्शन दिए थे कि व्हाट शुड ये चीजें हैं, आप में से क्या चूज करोगे, वो सारे टाइप करें. ओके, सो सिमिलरली अगर रिस्पॉन्सेस जो हैं, जो भी रिस्पोंडेंट को रिस्पॉन्सेज फिल करने हैं, अगर वो स्पेसिफिक हैं, पहले से स्पेसिफिक हैं दैट यू हैव टू चूज फ्रॉम दीज ओनली, तो वहाँ पर हो गया वो क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर. ओके, बट इफ यू आर राइट, इफ यू आर फ्री टू राइट योर ओन आंसर दैट यू कैन राइट एनीथिंग. सपोज एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं,
व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चनर में आप रिस्पॉन्सेज उन्होंने क्या दिए, रिस्पॉन्सेज आर फॉर फिटनेस पर्पस, फॉर स्पोर्ट स्पेसिफिक पर्पस, ये दो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम दीज टू ओनली, दैट विल बी क्लोज एंडेड क्लोज क्वेश्चनर, एंडेड ये क्लोज एंडेड क्वेश्चनर हो गया। बट आपको बोला गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, और नीचे ब्लैंक स्पेस दिया है, एंड यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग, वो दैट बिकम्स ओपन एंडेड क्वेश्चनर, क्लियर है। यस सर यस सर ओके। सिमिलरली आफ्टर क्वेश्चन आयर वी हैव अनदर मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? सर फेस टू फेस डिस्कशन, मतलब एक आपसे क्वेश्चन पूछा है बंदा, आपको उसका आंसर देने होंगे। यस एग्जैक्टली। इंटरव्यू जो है इट इज ए बेटर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन देन क्वेश्चन आयर, ठीक है। क्यों? अगर हम बोलें कि इंटरव्यू इज ए बेटर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन देन क्वेश्चन आयर, व्हाई? इंटरव्यू तो ज्यादा डिटेल पूछ सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर आपको क्रॉस क्वेश्चन करने का ऑप्शन होता है। अगर उसने कोई रिस्पॉन्स दिया, सपोज सेम क्वेश्चन हम लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, एंड सौरभ ने कुछ आंसर दे दिया है ना, तो क्वेश्चन आयर में तो आंसर दे दिया, अब उसके आगे तो कुछ नहीं है। बट अगर इंटरव्यू में सेम आंसर अगर सौरभ देता है, तो जो भी इंटरव्यू ले रहा है, जो भी रिसर्चर है, ही कैन क्रॉस क्वेश्चन द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्रॉस क्वेश्चन से और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो इंटरव्यू गिव्स यू मोर इन्फॉर्मेशन, क्लियर। यस सर ओके। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव सर्वे। बिफोर नॉर्मेटिव सर्वे, सिंपली हम सर्वे को डिस्कस करते हैं। सर्वे क्या है? व्हाट इज सर्वे? मतलब किसी चीज का सर्वे करते हैं, जब वो डेंगू मलेरिया का सर्वे करते हैं कि किस किस को एरिया में हुआ है, क्या हुआ है, वैसा। सर्वे सिमिलर टू जो भी जो हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी ना, सेम डेफिनेशन सर्वे की भी है। दैट इज अ टेक्निक ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट सीक्स टू डिटरमाइन प्रेजेंट सिनारियो। जो भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का प्रेजेंट सिनारियो है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, सिंपल इतना ही है सर्वे। नाउ सर्वे के कंडक्ट करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ओके। वन ऑफ द मेथड इज नॉर्मेटिव सर्वे। नॉर्मेटिव सर्वे क्या होगा? नॉर्मेटिव सर्वे का जो फर्स्ट वर्ड है ना, नॉर्मेटिव, उससे रिलेट करो। अच्छा, नॉर्म्स वर्ड सुना है? आप यस सर टेस्टिंग टेस्ट एंड मेजरमेंट अगर पढ़ा होगा, तो उसमें हम देखते हैं टाइप ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एंड सेकेंड इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। पढ़ा ये चीज? नो सर नहीं पढ़ा। ओके, नॉर्म्स वर्ड सुना है? NORMS, नॉर्म्स सुना है सर। क्या मतलब होता है नॉर्म्स का? तो अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। नॉर्मल जैसे सर बुलेट पॉइंट्स या समथिंग, कुछ नॉर्म्स। ओके, LNIP का आप सभी ने MSc किया है, तो इसमें फिटनेस टेस्ट नहीं होगा। आफर्ट फिटनेस टेस्ट देखा है? अच्छा, उसको छोड़ो। BMI चार्ट देखा है? यस सर यस सर। BMI चार्ट से हमें क्या पता चलता है? हाइट वेट के अकॉर्डिंग बॉडी फैट्स कितना चाहिए वो। है ना, हाइट वेट के अकॉर्डिंग आपकी कोई एक वैल्यू आएगी। हाइट अपॉन वेट स्क्वायर करते हैं, तो आपकी कोई एक वैल्यू आती है। उस वैल्यू के बेसिस पर आप एक चार्ट रहेगा, उस चार्ट से अगर आप अपनी वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो आप बता सकते हैं दैट वेदर यू आर अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और ओबीज, है ना। ये कैटेगरीज होती हैं। वॉट इज द क्राइटेरिया ऑफ BMI? अगर आपका BMI 18.5 से बिलो है, आप अंडर वेट हैं, 18.5 टू 25 तक है, तो आप
नॉर्मल वेट हैं, 25 से 30 है तो आप ओवर वेट हैं, 30 अबव है तो आप ओबीज हैं, ठीक है। इसी तरह से इनको हम बोलते हैं नॉर्म्स, है ना, नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, कोई भी एक टेस्ट होगा, ठीक है, वी टेक एनी सॉर्ट ऑफ टेस्ट, उस टेस्ट पर जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपने की, ठीक है, तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के बाद जो भी आपका रिजल्ट आता है, जैसे सपोज आपने 2.5 मीटर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप अच्छी है खराब है, वेदर परफॉर्मेंस इज गुड और नॉट। सिमिलरली बीएमआई आपने कैलकुलेट कर लिया, बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद आपका बीएमआई 27 आया या 23 आया, हाउ वुड यू नो दैट योर जो भी आपका बीएमआई है वो अच्छा है या खराब है, कैसे पता चलेगा? हम कंपेयर ऑलरेडी मेंशन होगा नॉर्म्स के साथ, उनको हम कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर देम विद द नॉर्म्स। नॉर्म्स जो है वो एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना, उनसे हम कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स को। जैसे हमारा 23 आया, सो हमने कंपेयर किया नॉर्म्स के साथ, नॉर्म्स बताते हैं कि इफ योर बीएमआई इज बिटवीन 18.5 टू 25, दैट मींस आप नॉर्मल वेट हो, आपने किया 23, ओके उस कैटेगरी में लाइक कर रहा है हम नॉर्मल वेट, समझ में आया। नॉर्म्स क्या होते हैं कि प्री एस्टैब्लिश्ड रूल्स होते हैं किसी भी टेस्ट के, जिसके बेस जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, ओके। नॉर्म्स का मतलब समझ में आया? यस सर। ओके, अब नॉर्मेटिव सर्वे क्या होता है, द सर्वे दैट इज डन टू मेक नॉर्म्स, जिस सर्वे से हम नॉर्म्स बनाते हैं दैट इज नॉर्मेटिव सर्वे, क्लियर है? ओके सर। है ना, जैसे बीएमआई के अभी जो हम बात कर रहे हैं बीएमआई की, तो बीएमआई का अभी तो हम बहुत सिंपली बोल दे रहे हैं कि अगर आपका 23 आया तो आप नॉर्मल वेट हो, लेकिन किसी ने तो बहुत सारी स्टडी की होगी, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन पे डाटा कलेक्शन किया होगा, फिर उसके बाद वो नॉर्म्स बनाए होंगे, है ना। yes, sir. तो वो जो स्टडी होगी दैट विल बी नॉर्मेटिव सर्वे, जो पहले हुई होगी वो नॉर्मेटिव सर्वे है, ओके ओके सर। अब बात समझ में आया, नॉर्मेटिव सर्वे क्या होता है, अ सर्वे दैट इज कंडक्टेड टू मेक नॉर्म्स, टू एस्टैब्लिश नॉर्म्स, उनको हम बोलते हैं। सिमिलरली ऑफर्ड एक टेस्ट है, ऑफर्ड यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ओके, ऑफर्ड यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट के भी नॉर्म्स हैं, मींस उसमें कुछ टेस्ट आइटम्स हैं, जैसे सॉफ्ट बॉल थ्रो है, 600 डैश रन है, सिटअप्स हैं, पुलअप्स हैं, ये सब टेस्ट हैं। तो आप किस टेस्ट में कितना परफॉर्म करने के बाद आपको कितने नंबर मिलेंगे, आप कहाँ लाई करते हो, तो वो सब नॉर्म्स हैं। इवेंट्स होते हैं सर इसमें? इसमें सर 6 हैं, 6 टेस्ट आइटम्स हैं। सर नाम क्या है, नाम रिपीट कर दीजिए सर उसका। नाम तो मुझे यहाँ पर का याद सर, नहीं फिट फिटनेस टेस्ट का नाम बताया सर अभी आपने, क्या नाम बताया था? पेज नंबर 46 खुला हुआ है। यस सर, 46 में देखो नॉर्मेटिव सर्वे में दिया है, अपर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ओके सर, ओके। इसके अलावा कुछ और टेक्निक सच एज केस स्टडी का बताओ क्या होती है। केस स्टडी इज वेरी सिंपल वर्ड, केस स्टडी क्या होती है? Exactly. Case study is if you are giving a detailed information about something special. Okay, that should not be a population, but a specific individual, about an individual, about an institution, about a community. अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सपोज करंटली नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लिया, ओके, जेवलिन थ्रो में, एंड दैट गोल्ड केम आफ्टर सो मैनी ईयर्स। सो अगर हम एक स्टडी कंडक्ट करते हैं, रिसर्च स्टडी ऑन नीरज चोपड़ा, ऑन द लाइफ ऑफ नीरज चोपड़ा, एंड ए डिटेल स्टडी, दैट विल बी केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं, दैट इज सिंपली केस स्टडी। ओके, क्लियर? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट केस स्टडी वर्क, जॉब एनालिसिस है, मतलब जॉब सिनारियो को अगर हम देखते हैं तो वो है ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस,
वी यूज द ऑब्जर्वेशन टेक्निक. डेवलपमेंटल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, डेवलपमेंटल स्टडीज के बारे में देखो. डेवलपमेंटल स्टडीज क्या होती है? व्हेन वी ऑब्जर्व ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओके, फॉर मेनी इयर्स, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल तक आप एक ही पॉपुलेशन को देखते हो, दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल स्टडी. क्लियर? ओके, बहुत सिंपल है. डेवलपमेंटल स्टडीज एंड वी कंडक्ट डेवलपमेंटल स्टडीज. ठीक है, एग्जाम्पल अगर दें, सपोज आपने क्या किया कि यू टुक 8 to 10 स्टूडेंट्स, है ना, आपने 8 से 10 स्टूडेंट्स को लिया एंड यू वांट टू ऑब्जर्व दैट जो इंडिविजुअल्स का ग्रोथ पैटर्न होता है फ्रॉम द एज ऑफ 8 इयर्स टू 18 इयर्स, ग्रोथ पैटर्न कैसा होता है. ओके, आप ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं. ओके, सो यू टुक 8 or 10 सब्जेक्ट्स और 20 सब्जेक्ट्स और 50 सब्जेक्ट्स एंड यू कीप ऑब्जर्विंग देम फॉर कंटिन्यूस 10 इयर्स, आपने 10 साल तक उनको ऑब्जर्व किया, सो दैट विल बी डेवलपमेंटल स्टडी. क्लियर है? ओके, नाउ डेवलपमेंटल स्टडीज के जो टाइप्स हैं वो दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज क्रॉस सेक्शनल अप्रोच. वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच? लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच क्या होती है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको कि आपने यू टुक 20 सब्जेक्ट्स एंड यू ऑब्जर्व देम फॉर कंटिन्यूस 10 इयर्स, तो ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच. मीन्स सेम सब्जेक्ट्स हैं, सेम पार्टिसिपेंट्स हैं एंड उनको आपने थ्रू आउट द स्टडी कंटिन्यूस सेम सब्जेक्ट्स को ही ऑब्जर्व किया, ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच. अब देखो 10 ईयर्स से वेरी लॉन्ग टाइम, 10 साल तक कंटिन्यूस उनको ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है. ओके, सो आपने इसका अल्टरनेटिव क्या निकाला? आपने अल्टरनेटिव लिया कि डिफरेंट एज कैटेगरीज आपने बना दी. ये एज कैटेगरीज कैसे, जैसे 8 to 10 ईयर्स एक कैटेगरी हो गई, 11 to 13 ईयर्स, 14 to 16 ईयर्स, 17 to 18 ईयर्स, इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज आपने बना दी और हर कैटेगरी से आपने बच्चे लिए एंड यू ऑब्जर्व देम ओनली फॉर 2 or 3 ईयर्स, है ना. हर कैटेगरी से आपने 2 या 3 साल के लिए बच्चों को ऑब्जर्व किया, सो दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल अप्रोच. इसमें आपका टाइम बचेगा एंड आपने पूरा जो 8 to 18 ईयर्स का डिस्टेंस था उसको भी कवर किया एंड आपका टाइम भी कम लगा. क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस समझ में आया? यस सर. इज इट क्लियर शरयू, सौरभ, हरी? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच, सर दोनों एक बार रिपीट कर दीजिए सर. ओके, अब सपोज देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ओलंपिक प्रोग्राम है, ओलंपिक प्रोग्राम नहीं, हम सोचते हैं कि बीपीएड फर्स्ट ईयर है, एलएनआईपी का जो बीपीएड प्रोग्राम है उसका ड्यूरेशन कितना है? 4 इयर्स. 4 इयर्स का है. ठीक है, अब आपको ये, आप ये चाहते हो कि एक स्टूडेंट जो है वो थ्रू आउट 4 इयर्स वो क्या क्या काम करता है वो आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, है ना. सो वन अप्रोच कैन बी कि जैसे ही बीपीएड फर्स्ट ईयर आया, उसने एडमिशन लिया, आपने सेम बैच को कंटिन्यूस 4 इयर्स के लिए ऑब्जर्व किया. सो आपको टाइम कितना लगेगा ये टास्क कंप्लीट करने में? 4 इयर्स, क्योंकि आप सेम सब्जेक्ट्स को, सेम बैच को कंटिन्यूस 4 इयर्स के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है, ओके. तो आपने सोचा कि नहीं, 4 साल एक ही स्टडी पे देना नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है. आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर को लिया, सेकेंड ईयर को लिया, थर्ड ईयर को लिया, फोर्थ ईयर को लिया, हर ईयर के बैचेस को लिया एंड यू ऑब्जर्व देम फॉर 1 ईयर ओनली, है ना. सो आपने 4 साल को कवर भी कर लिया और आपको टाइम अब कितना देना पड़ा हर बैच पे? 1 ईयर में सर पूरा हो गया. 1 साल में पूरा काम हो गया, है ना. तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल अप्रोच. क्लियर है? ओके सर. ओके, उसके बाद होती हैं एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्चेस, कोरिलेशनल रिसर्चेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिसर्च इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पेज नंबर 48.
है ना। अब 40 जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हैं वो आगे सिलेबस में आएंगी क्या मेरे साथ जाने के लिए, बिकॉज इन पे डिस्कशन सबसे ज़्यादा होना है, दीज आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई डोंट थिंक दिस इज मीनिंग दैट्स अ बेटर कलेक्शन एंड रिसर्च डिजाइन। ओके 2.6 में है रिसर्च डिजाइन, हम डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अभी इतना समझ लो, जल्दी से मुझे कोई डिफरेंशिएट कर दो एनालिटिकल रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, हम फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे बढ़ेंगे। एनालिटिकल रिसर्च मतलब यूजिंग डेप डाटा, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मतलब बाय स्टडिंग न्यू डाटा सच एज मतलब कोई भी नया। एनीवन एल्स कोई और डिफरेंशिएट करेगा? सर एनालिटिकल डाटा इज द स्टडिंग द डाटा डेप इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट और कंडक्टेड इन द पास्ट, एंड डिस्क्रिप्टिव डाटा इज स्टडिंग द डाटा इन अ करंट सिचुएशन कलेक्टिंग द डाटा। ओके हरी your differentiation sir, analytical research we should analyze sir, from the past and from any, but descriptive is like yes like it's like I can't I should read it, sir. Okay, so the basic difference between analytical and descriptive research is, in analytical research, we collect data, but the data is already present, okay, and most of the things has already been done, okay, first thing. Second, descriptive research, we collect data on the present situation, okay, so whatever the scenario is, and that scenario may be related to anything. जो करंट सिचुएशन है उस पर हम स्टडी करेंगे, दैट विल बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वी ट्राई टू डिस्क्राइब द करंट सिनेरियो। अब आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, ओके दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इन फील्ड। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है, ओके सो टेल मी फर्स्ट What do you understand by experimental research? सर जैसे कि सर कोई भी अगर रिसर्च कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सर, तो इन फ्यूचर हमें उसका रिजल्ट पता नहीं है सर, इन फ्यूचर उसका क्या रिजल्ट आएगा वो हमें बाद में पता चलेगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में सर। ओके ये सिमिलर थिंग हैपेंस इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आल्सो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी हमें नहीं पता कि क्या है, हर स्टडी में रिजल्ट हाँ, हमें बाद में ही पता चलता है। हाँ सर पर लेकिन लेकिन उसमें हमें हम सर्वे करेंगे तो विद इन कुछ टाइम में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, बट लेकिन इसमें होगा कि मे बी टेक टू मच टाइम रिजल्ट आने में सर। नहीं अभी नहीं है, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसमें तो 3 साल 4 साल कितना भी टाइम लग सकता है, येट क्या डिफरेंस है? सर जैसे कि आज हम सर्वे कर रहे हैं तो सर जितना, और जैसे सर हमें अभी इसमें करना है एक्सपेरिमेंट करना है, तो सर जैसे हमें किसी भी चीज़ को जैसे ओलंपिक्स है सर, तो अभी आफ्टर 2000 या 2020 के बाद जितने भी ओलंपिक्स होंगे सर, तो उसमें कुछ क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या होंगे और कैसे आ सकते हैं, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये भी नहीं हुआ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सर जो चीज़ हम कर रहे हैं मतलब अभी जो टिपिकल वे है उसके अलावा कोई दूसरा का चीज़ मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखना कि इस चीज़ से भी वो चीज़ हो सकती है क्या। ओके एनीवन एल्स और कोई अपना दिमाग लगाओ लगाओ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत खास बात सर ट्राइंग आउट न्यू मेथड्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स। यस उसको प्रॉपर्ली फ्रेम आउट करो। देखो एनालिटिकल रिसर्च में जो डाटा था वो ऑलरेडी जो भी इंफॉर्मेशन थी जो भी डाटा था वो ऑलरेडी अवेलेबल था, ठीक है, हमें सिर्फ उसको देखना है जाके, है ना। हमने कुछ नया किया उसमें? नहीं सर उसमें कुछ नया किया? कुछ नया नहीं किया, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को हम ले रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम करंट सिनेरियो, अब करंट सिनेरियो में हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमारा कोई इनपुट है,
हम सिंपली करंट सिनारियो की इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें हमारा कुछ इनपुट है एज ए रिसर्चर, कोई काम करते हैं हम नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम नया काम करते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नया काम कैसे करते हैं, हमारा एग्जांपल क्या था, हम कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे थे सभी चीजों को समझने के लिए, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसमें देखो हम जो भी इसका डाटा है, जो भी इसके रिजल्ट्स हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते। हम ट्रीटमेंट भी देने वाले हैं, हम ट्रेनिंग देंगे, जो भी डाटा आएगा बाद में नया डाटा आएगा वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। मीन्स इट हैज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च में एज ए रिसर्चर हम डाटा के लिए कुछ नहीं करते, जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, अवेलेबल है, सिर्फ हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वी ट्राई टू डिस्कवर न्यू थिंग, वी ट्राई टू इन्वेंट न्यू, है ना। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, डिफरेंस क्या होते हैं दोनों में? सर, इन्वेंशन मतलब कोई चीज इन्वेंट की उसने खुद ने, और डिस्कवरी मतलब कोई चीज थी उसको डिस्कवर किया, ढूंढा। यस, वेरी गुड। जैसे डिस्कवरी का कोई एग्जांपल दो। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और सर डायनासोर स्केलेटन्स और डायनासोर और जो पुरानी पुरानी डायनासोर मिली है और जो सारे टेंपल्स एंड ऑल दिस के लिए डिस्कवरी हुई है। डिस्कवरी है मतलब the things that already existed हमने सिर्फ उनको जाके खोजा। Suppose India was discovered by Vasco da Gama। Vasco da Gama in the year 1498 में India already exist करता था। Vasco da Gama का सिर्फ पता चला India के बारे में, ठीक है। yes. Invention का example बताओ। Bulb। Bulb, yes। Electricity, transportation, electric car, yes। So these things did not exist, मतलब एग्जिस्ट नहीं करते थे, दीज आर न्यू। सो विद द हेल्प ऑफ मेथड्स अवेलेबल, थिंग्स अवेलेबल, वी ट्राई टू क्रिएट न्यू थिंग, दैट इज इन्वेंशन। सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अच्छे से समझते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वी ट्राई टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, बिफोर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम आते हैं मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट। अब ये क्या होता है, मैनिपुलेशन वर्ड क्या है, मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल किसी चीज, ओरिजिनल किसी चीज में कुछ चेंजेस करना। यस, हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, दैट वी गिव ट्रीटमेंट, है ना। सो गिविंग द ट्रीटमेंट इज मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ ट्रेनिंग और मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या डेफिनेशन मैंने बताई थी? What was independent variable? What was dependent variable? हमारी study में independent variable क्या है? Dependent variable क्या है? So plyometric training independent variable है. And dependent variable उसका result है sir, explosive है. Oh sorry, effect, explosion है. Effect है. तो definition क्या है? What is independent variable? What is dependent variable? ना तो पता? बताओ. Sir, yes, the variable that is manipulated is a independent variable, है ना। हमने इधर जिस variable को हम manipulate करते हैं, अब हमने क्या manipulate किया है इसमें? Plyometric training को, हम plyometric training को ही तो दे रहे हैं,
So that is independent variable. Definition याद रखो, the variable that is manipulated in the study is independent variable, and the variable whose effect is seen, है ना, जिस variable पे independent variable का हम effect देखते हैं, that is dependent variable, यानी कि explosive strength, okay? So कुछ specific properties हैं experimental research की. पहली property क्या है, that it has one independent variable, one dependent variable, and the independent variable is manipulated. ठीक है, हम independent variable को manipulate करते हैं, and then we try to see its effect on dependent variable. Clear? यहाँ तक चीजें समझ में आई? Okay. Next term is cause and effect relationship. हम experimental research में cause and effect relationship establish करते हैं. Now what is cause and effect relationship? The cause is doing something and seeing how will effect is को effect situation ही होगा. Okay. The action and reaction type ना? Cause क्या है? अगर हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की बेसिस पर देखते हैं, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, द कॉज इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वही हमारा कॉज है, ठीक है, और इफेक्ट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. अब इन दोनों के बीच रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करना है, ठीक है. अब रिलेशनशिप कम बैक टू द एग्जांपल, एग्जांपल देखो, बाय गिविंग प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है. मान लो ये हमारी स्टडी के बाद का रिजल्ट आता है, ये हमने अपनी स्टडी कंडक्ट की, ट्रेनिंग दी, एंड एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वी फाइंड आउट दैट विद द हेल्प ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है. तो इसके अब मुझे बताओ कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग के बीच क्या रिलेशनशिप है. ओके, दो चीज बताता हूँ. दो सपोज इसी को देखो, दो फाइंडिंग्स आपकी आती हैं. आपने प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग दी और प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग देने के बाद एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, एक ये फाइंडिंग है. प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग दी और प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग देने के बाद एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये दोनों फाइंडिंग्स में क्या डिफरेंस है? रिजल्ट. हाँ, ये जो दो रिजल्ट दिए हैं मैंने, दो रिजल्ट बताए कि पहले रिजल्ट में क्या हो रहा है कि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग दी, प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग देने के बाद एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हुई, और सेकंड रिजल्ट आता है कि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग दी लेकिन एक्सप्लोजिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. तो क्या दोनों के बीच आप इंटरप्रेट करोगे? पहली सिचुएशन क्या है, समझो इस तरह से कि पहली सिचुएशन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग की वजह से हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे इफेक्ट दिख रहा है, है ना. सो देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब समझ में आया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का? यस सर. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कोई एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को देने के बाद अगर आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. लेकिन अगर नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपने प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग दी और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे, सो देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है. तो रिलेशनशिप कब होती है, कॉज एंड इफेक्ट कब नहीं होती, ये समझ में आया? यस सर. है ना, तो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पर्पस यही होता है, टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. आप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, समझ में आ गया? ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आउटकम इफेक्ट आउटकम के उस पे आउटकम के डिपेंड्स पे करेंगे ना सर, कॉज रिलेशनशिप. हां हां, रिजल्ट के बेसिस पर. मैं एक स्टडी दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इफेक्ट ऑफ साइक्लिंग ऑन बॉडी वेट, है ना, इफेक्ट ऑफ डेली साइक्लिंग ऑन बॉडी वेट, ये आपका स्टडी है,
अभी स्टडी में बताओ कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कब एस्टैब्लिश होगी, किस तरह के रिजल्ट्स के बाद? व्हेन एंड तो वेरियम जो वो सब्जेक्ट है वो वेट लूज करेगा और फास्टर हो जाएगा। वेरी गुड, यानी कि साइकिलिंग करने के बाद 6 हफ्ते 8 हफ्ते या 1 महीने साइकिलिंग करने के बाद अगर उसका बॉडी वेट कम हो जाता है दैट मींस देयर इज एन इफेक्ट ऑफ साइकिलिंग ऑन बॉडी वेट, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी। समझ में आया? यस सर। और एग्जांपल, चलो वन मोर एग्जांपल, सौरभ का गेम क्या है? एथलेटिक्स सर। एथलेटिक्स? यस सर। शरीर का गेम? स्विमिंग। स्विमिंग, चलो स्विमिंग पे बात करते हैं। ओके, इफेक्ट ऑफ स्विमिंग ऑन किस वेरिएबल पर देखें, इफेक्ट ऑफ स्विमिंग ऑन बॉडी फैट, इफेक्ट बॉडी फैट अगर कम, बॉडी फैट अगर कम हो गया तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा। वेरी गुड, अब चीज क्लियर है कॉज एंड इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? डिटेल में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। इसके बाद 2 टाइप्स की रिसर्च और है हमारी, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा इसमें नहीं होगा, चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे, इन रिटर्न सारी चीज़ें होंगी, नंबर्स के फॉर्म में नहीं होंगी, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव रिसर्च के बाद मिक्स मेथड रिसर्च होती है, मिक्स मेथड रिसर्च मीन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो इसको स्टडी कर लेना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़, ठीक है। आज जो पढ़ाई किया है उससे रिलेटेड कोई डाउट? नो सर। ओके, कल स्टार्ट करेंगे 1.4, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नॉट टुमारो, कल क्या है, फ्राइडे है ना? यस सर। फ्राइडे सैटरडे क्लासेस नहीं होंगी, डायरेक्टली ऑन मंडे आई विल नॉट बी हियर, मैं ट्रैवल करूंगा एक्चुअली, ठीक है। ओके सर। ओके सो वी विल मीट ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।